मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर में हो रहे बदलाव विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। 50 से अधिक विशेषज्ञ ले रहे हैं भाग। सोलन के नौणी विश्वविद्यालय में प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सहित हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कृषि मंत्रियों ने किया संबोधित। सिरमौर जिला के किसानों को घर द्वार धान बिक्री पर 29 करोड़ रुपए से अधिक की हुई आमदनी। एफसीआई द्वारा 1,50,000 क्विंटल टन धान की गई खरीद। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्षों को किया संबोधित। कहा, आयुर्वेद भारत की है स्थायी चिकित्सा पद्धति। हमीरपुर जिला के भोरंज में सांसद खेल महाकुंभ 2 का महिला कबड्डी मैच के साथ हुआ आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअल रूप से हुए शामिल। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, स्थानीय विधायक व मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी विशेष रूप से रही मौजूद। अटल टनल रोहतांग 20 दिसंबर से सप्ताह में दो दिन प्रत्येक रविवार व वीरवार को सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए रहेगी बंद। इस दौरान टनल की जाएगी मरम्मत। ताजा हिमपात के बाद समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। जनजातीय क्षेत्रों में जल स्रोत लगे जमने। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना।